जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, राधे राधे। श्री कृष्ण गौशाला लोहा में आज श्रीमान उमेद कुमार जी छाजेड़े निवासी सरदार सरे हाल दिल्ली वालों ने श्री कृष्ण गौशाला लोहा में गौ माता को लापसी भेंट की। पंडित देवयज्ञ हजारीलाल जी शर्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण गौशाला लोहा में गौ माता को लापसी भिजवाई गई। गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि उमेद कुमार जी छाजेड़े के सह परिवार की गौ माता रक्षा करे, उनके अच्छा स्वास्थ्य लाभ करे, वैसे उनकी सभी मनोकामना मन की इच्छा सब पूर्ण करे। गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि उनकी सभी मनोकामना मन की इच्छा सब पूर्ण करे, वह गौ माता उनको आशीर्वाद प्रदान करे। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, राधे राधे। श्री कृष्ण गौशाला लोहा में गौ सेवा के गायों के लिए लापसी लेके आते हुए श्री कृष्ण गौशाला लोहा तहसील रतनगढ़े जिला चुरू राजस्थान गौ माता के लिए गौ सेवा के लापसी लेके आ रहे हैं श्री कृष्ण गौशाला लोहा में। जय गौ माता, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण गौशाला लोहा में गौ माताएँ लापसी जिमने के लिए पधार रही है श्री कृष्ण गौशाला लोहा में। जय गौ माता, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गौ माताएँ लापसी जिमने के लिए पधार चुकी है श्री कृष्ण गौशाला लोहा में। श्री कृष्ण गौशाला लोहा में आज उमेद कुमार जी छाजेड़े निवासी सरदार सर वाले हाल दिल्ली वालों ने आज श्री कृष्ण गौशाला लोहा में गौ माता को लापसी भेंट की। गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि उनकी सभी मनोकामना मन की इच्छा सब पूर्ण करे, वह उनको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। जय गौ माता। श्री कृष्ण गौशाला लोहा में गौ माताएं आराम से लापसी जीमती हुई। पंडित देवयज्ञ हजारीलाल जी शर्मा कहते हैं कि गौ माता को लापसी खिलाने से मनुष्य के हर संकट से, हर मुसीबत से, हर विपत्ति से छुटकारा मिलता है। गौ माता को लापसी खिलाने से मनुष्य को बीमारी से मुक्ति, कर्ज से मुक्ति, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देव देवताओं का वास होता है। सो गौ माता को खिलाने से 33 कोटि देव देवता प्रसन्न होते हैं, इसलिए गौ माता को लापसी खिलाने से फायदा होता है। सो गौ माता को लापसी खिलाने के लिए गौ सेवक, गौ भक्त, दानदाता जरूर पधारे। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जो भी गौ सेवक, गौ भक्त, दानदाता गौ माता को लापसी, गुड़, खड़े, चारा, पानी, फल फ्रूट, सब्जियां अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खिलाना चाहते हैं, वो श्री कृष्ण गौशाला लोहा पधार करे, गौ माता को खिला करे, गौ माता से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सो श्री कृष्ण गौशाला लोहा पधार करे, गौ माता को अवश्य खिलाएं। गौ माता को खिलाने से मनुष्य के सभी संकट, मुसीबतें, विपत्ति सभी से छुटकारा मिलता है। सो गौ माता को खिलाने के लिए ज़रूर ज़रूर पधारें। जय गौ माता, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय गौ माता। गौ माताएँ श्री कृष्ण गौशाला लोहा में आराम से लापसी जीमती हुई। जय श्री कृष्णा। गौ माताएँ लापसी जीमती हुई श्री कृष्ण गौशाला लोहा में। जय गौ माता, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण गौशाला लोहा में गौ माता की सेवा में पधारे हुए गौ सेवक श्री कृष्ण गौशाला लोहा में। जय गौ माता, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण गौशाला लोहा में गौ माता को लाभ सिखलाने के लिए गौ माता की
सेवा में पधारे हुए गौ सेवक है। श्री कृष्ण गौशाला लोहा में गौ सेवक है। तन मन धन से श्री कृष्ण गौशाला लोहा में गौ माता की सेवा में पधारते हैं। श्री कृष्ण गौशाला लोहा में गौ सेवक है। जय गौ माता, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गौ सेवक है, गायों की सेवा में पधारे हुए। जय गौ माता। श्री कृष्ण गौशाला समिति लोहा, तहसील रतनगढ़, जिला चुरू, राजस्थान है। दो पारी में गौ माताएं लापसी जीम चुकी है। अभी कुछ ही देर में तीसरी पारी में गौ माता को लापसी खिलाई जाएगी। गौ माता की संख्या ज़्यादा होने के कारण तीन बार में गौ माता को तीन पारी में लापसी खिलाई जाती है। श्री कृष्ण गौशाला लोहा में, श्री कृष्ण गौशाला लोहा में आज श्रीमान उम्मेद कुमार जी छाजेड़ निवासी सरदार सरे हाल दिल्ली वालों ने गौ माता को लापसी भेंट की। पंडित देवयज्ञ हजारीलाल जी शर्मा के द्वारा भिजवाई गई श्री कृष्ण गौशाला लोहा में गौ माता को लापसी। जय गौ माता, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि उनकी सभी मनोकामना, मन की इच्छा सब पूर्ण करे, वे अच्छे स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। जय गौ माता, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा।